वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आज हम फिर आपके सामने डॉक्टर कमलेश कुमार चौधरी, प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल शेरघाटी हाजिर हैं 12th क्लास के क्रैश कोर्स में। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है अल्कोहल। तो हम लोग अल्कोहल के बारे में जानकारी लेंगे। आप लोग की जैसे देख रहे हैं, हमने यहाँ पर आपके लिए दोनों ही पीपीटी डाला है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो आप लोगों की जो जबरदस्त मांग है हिंदी, उसे मजबूरन मुझे दोनों लैंग्वेज में बनाना पड़ रहा है, अंग्रेजी और हिंदी में। तो हम लोग हिंदी के द्वारा ही शुरुआत करेंगे। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि अल्कोहल किसे कहते हैं, अल्कोहल का नामकरण, अल्कोहल बनाने की विधि, अल्कोहल के गुण और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद। इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और जो अल्कोहल व्यापारिक रूप में यूज होते हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है। तो आए हम देखें कैसे अल्कोहल होता है, कैसे ये बनता है, इसकी गुण क्या है, इन सारे चीज़ों की हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। तो हम लोग चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अल्कोहल आप लोगों के लेकर आया है। कह रहा है एल्फैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी उत्पन्न को अल्कोहल कहलाते हैं, अर्थात वैसा एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हम उसे अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब ये हम ये भी कह सकते हैं कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां OH समूह जोड़ दे तो उस समूह को अल्कोहल कहते हैं। तो अल्कोहल के लिए आप लोगों को क्लियर हुआ, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर OH ग्रुप प्रतिस्थापित करने को अल्कोहल कहेंगे, अर्थात वैसा एल्काइल समूह जिसमें OH समूह उपस्थित रहता है, अर्थात वैसा कंपाउंड जिसमें जिसका फॉर्मूला ROH रहे उसे हम अल्कोहल कहते हैं। और R जानते ही हैं आप लोग एल्काइल होता है। तो यहाँ पर मैंने दिया है एथिल अल्कोहल और इसी को कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें दो अल्कोहल है इसलिए इसको डाई हाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, और इसमें तीन है इसलिए इसको ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अर्थात OH समूह की संख्या के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया है। अब लेकिन अगर मान लो यहां पर तीन है तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, और यदि तीन से अधिक हो तो अधिक के लिए पॉली शब्द का उपयोग किया जाता है, इसीलिए कहते हैं इसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। एक के लिए क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दो रहेगा OH समूह, देखिए दो OH है तो इसे कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और तीन OH समूह रहे तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से हम जानते हैं। लेकिन आप लोगों को जो 12th क्लास में है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में ही जानकारी लेना है, ठीक है? तो हम लोग इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। स्पष्ट है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल उसे कहेंगे जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित रहता है, उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और इसका समान सूत्र ऑटोमेटिक है कि एल्केन में O जोड़ दे तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का समान सूत्र हो जाएगा। और आप जानते हैं एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, और उसमें O जोड़ दिए, देखिए CnH2n+2 और ये O है, पावर में नहीं है, बगल में वो है, ध्यान रखिएगा। ये एल्केन एक को लिखेंगे फॉर्मूला को, अब बगल में वो जोड़ दें तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ये सूत्र हो जाएगा। यदि आप इसको ऐसे भी चाहेंगे OH समूह दिखाई देता तो एल्काइल में OH जोड़ दे, वो भी बात एक ही होगा।
तो क्या करेंगे, सी एन एच टू एन प्लस वन, इसके बाद कर देंगे ओ एच। देखिए हमने उस तरह से भी बता दिया है, ये भी सही है और ये भी सही है, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। अब आपको यहां पर हमने कुछ दे दिया है साधारण नाम आईयूपीएसी नेम, इसलिए मैंने इसको बृहद रूप से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को दिया हूं जीजीपी गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत। आप लोग देखिएगा नामकरण, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण पड़ेगा, उसमें मैंने बताया है। फिर भी आप लोग को बता दूं कि एल्केन से ई को हटाकर ओ एल जोड़ देते हैं एल्कनॉल, तो वो हो जाता है अल्कोहल का नाम। जैसे आप देखिए इसको कहते हैं मेथेन एक कार्बन, मेथेनॉल, एम ई टी एच ए एन, ओ एल जोड़ देते हैं तो मेथेनॉल होते हैं। आइए जरा बोर्ड पर देखकर थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लें तो बेहतरीन होगा। हमने फिर एक बार पीछे जाना जा रहे हैं आपको कि एल्केन से ई को हटा देंगे, इस ई को हटाकर ओ एल जोड़ देंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए, आप देखिए सी एच थ्री ओ एच, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथेन देते हैं एम ई टी एच ए एन ई देते हैं, ई के जगह पर ओ एल दे देंगे। अब मान लीजिए कि आपको सी एच थ्री का होल ट्वाइस सी एच ओ है, तो आप स्ट्रक्चर जब बनाइएगा इसका ट्वाइस का बता दे आप लोग को, अगर ट्वाइस दिया रहे तो बगल से जुड़ा रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन खास करके एक चीज और, सी एच थ्री रहे तब, अगर टू रहेगा अगल बगल ऐसे जाएगा, लेकिन सी एच थ्री रहे तो बगल वाले कार्बन पर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये एच हो गया, यहां पर ओ एच देंगे हम, तो यहां पर H और ये हो जाएगा OH। ध्यान रखिएगा ये अगर दे टू लिखा रहा है तो बगल वाले कार्बन ऊपर है। अब आप जानते हैं इसमें हम लोग लॉन्ग चेन पकड़ेंगे, लॉन्ग चेन क्या हुआ, वन टू थ्री, लॉन्ग चेन पकड़ लिए हम लोग। लॉन्ग चेन पकड़ने के बाद उसे एल्केन में नाम देते हैं, तो मेथेन एथेन प्रोपेन, तो यहां पर प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन ई हटता है, देखिए मैंने ई हटाया है, कितने नंबर पर ओ एच ग्रुप हुआ है, टू पर, तो यहां पर डैश देकर टू और ओ एल दे देंगे, ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। या आप एक और तरीका है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन है कि आप ओ एच कितने नंबर पर है यहीं पर लिखा जाता है, क्योंकि ओ एल इंडिकेट करता है ओ एच के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे भी लिखता है टू प्रोपेनॉल, उसका भी सही है। तो नामकरण के संबंधित आज मैंने फिर पुनः आप लोगों को कुछ बताया। अब आए फिर पुनः बोर्ड पर हम लोग, देखिए उसी चीज को जो मैंने बताया, यहां पर लिखा हुआ है टू प्रोपेनॉल और टू प्रोपेन टू ऑल, आप लोग देख सकते हैं। इसका कॉमन नेम जो होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल होगा। इस तरह से मैंने कुछ नाम आप लोग को यहां पर कॉमन और आईपीसी दोनों ही नेम दिया है। एन मीन्स यहां पर यह भी लिख दिया कि एन मीन्स क्या होता है नॉर्मल, एस मीन्स सेकेंडरी, आर्टिस मीन्स टर्शियरी, तो आप लोग को यह क्लियर हो गया। अब मोनो हाइड्रिक अल्कोहल का नाम तंत्र पुनः एक बार मैं बता दूं कि आप लोग को पहले ही बता चुका हूं, इसके लिए स्पेशल मैंने वीडियो दिया है, आप लोग जरा उसे देखिएगा। अब इसका वर्गीकरण किसे कहेंगे, आप लोग को जब मैंने अल्काइल हैलाइड पढ़ाया था उस वक्त भी बताया था, और 11th क्लास का जो मैंने वीडियो डाला है एल्केन, उसमें भी बताया था कि कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। लेकिन 4 डिग्री यहां पर उपयोग नहीं होगा, क्योंकि चौथे पर एक ओ एच समूह जुटेगा, इसलिए ऑटोमेटिक है 3 डिग्री तक जाएगा। यदि 1 डिग्री कार्बन से जुटा रहे तो उसे प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन से जुटा रहे तो उसे द्वितीय अल्कोहल कहेंगे, यदि 3 डिग्री कार्बन से जुटा रहे तो तृतीय अल्कोहल कहेंगे। क्लियर है, जिस कार्बन से जुटा रहेगा वही उसके अल्कोहल का नाम हो जाएगा, जैसे कि यहां पर आपको हमने दिखा दिया है। क्लियर, अब इसका तो नामकरण आप जान गए। अब अल्कोहल की क्षम्यता, ये इसके लिए स्पेशल चैप्टर आप लोग को डाला गया है और बताया गया है, तो इससे छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि बनाने की विधि, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की जो सामान्य विधियां हैं वो जानेंगे हम लोग। आप लोग को याद होगा कि अल्काइल हैलाइड का जल अपघटन हम लोग कराए थे, तो
अल्कोहल प्राप्त हुआ था। तो डबल फायदा, एक आपको एल्काइल हैलाइड का गुण हो गया और दूसरा अल्कोहल बनाने की विधि भी हो गया। एक साथ दो सेप करके हम लोग को लेकर चलते हैं, एक में जो गुण पड़े दूसरे में बनाने की विधि हो जाती है। आप लोग जरा गौर करें, एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन द्वारा, तो एल्काइल हैलाइड का गुण जब बोलेंगे तो एल्काइल हैलाइड का जब गुण लिखेंगे तो बोलेंगे एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन से अल्कोहल प्राप्त होता है, और वही चीज बनाने की विधि में लिख दिया। देखिए यहां पर RX जगह पर आप लोग को बताना ना पड़ेगा कि तीन चीज होता है, चार चीज, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन और आयोडीन। तो यहां पर RX के जलीय NaOH या KOH के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है, या AgOH के साथ भी अगर हम कर दे गर्म कर दे तब पर भी होगा। ध्यान रखिएगा NaOH के साथ करें, लेकिन जलीय जलीय KOH के साथ भी करके आप बना सकते हैं और AgOH के साथ भी गर्म करके बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि NaOH एक दे देंगे, KOH जेट-लाइक गुण देता है तो आप उसके साथ भी जलीय बना सकते हैं आसानी से, और एक अलग दिया AgOH। तो ये हुआ आप नम, मतलब होता है जिसमें जल की मात्रा हो, तो नम सिल्वर ऑक्साइड लिख दिया है यहां पर। अब देखिए एग्जाम्पल, मैंने इसमें इथाइल ब्रोमाइड लिया है, तो इथाइल ब्रोमाइड में जलीय NaOH के साथ क्रिया होता है, तो होता क्या है ध्यान रखिएगा Na हैलाइड ग्रुप को लेकर भाग जाता है। उस बार भी मैं समझाया था एल्काइल हैलाइड भी, तो Na भी यार निकल जाएगा और ये OH यहां जुट जाएगा, ठीक यही काम यहां पर हुआ है। फिर दूसरा जो विधि है वो एस्टरों के जल अपघटन द्वारा, एस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे NaOH है, अब एस्टर है तो दो पार्ट होंगे, एक होगा R जो O से जुटा रहेगा, एक R C से जुड़ा, जो R C से जुटा रहेगा वो बनाएगा एसिड, क्योंकि एसिड ग्रुप में यानी कि सोडियम लवण बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना देगा। Na यहां ही जुटेगा O के जगह पर और R डैश OH के साथ जुटेगा, तो R डैश OH के साथ जुटकर अल्कोहल बना दिया और जो R डैश हटा वहां पर Na जुट गया। देखिए यही काम इसमें हुआ है, जैसे कि यहां पर आप देखिए CH3COCH5 ऑटोमेटिक है, O से जुटा हुआ CH5 तो CH5 से OH जुटेगा तो CH5OH हो जाएगा और CH5 की जगह पर Na आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा सोडियम स्टेट और इथाइल अल्कोहल। दो हुआ विधि, अब तीसरा बताएं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा। ध्यान रखें बेटे इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जब कन्वर्शन बताया जाएगा आप लोगों को, एग्जाम में पूछता है कन्वर्शन, तो उसमें जब भी अल्कोहल बनाना हो अर्थात ऑक्सीजन की संख्या जब हमको कम करनी होगी कन्वर्शन में, तो इसी का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का उपयोग किया जाता है अवकरण के लिए, एसिड के अवकरण के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है। तो इथर में इसको करेंगे तो यहां पर OH और एक H मिलकर H2O बनाकर बाहर निकल जाएगा और दो H2O यहां जुटकर RCH2OH बन जाएगा, जैसे कि यहां पर लिया गया है आप देख सकते हैं। तो अम्ल क्लोराइड के भी उसी तरह से होगा, अम्ल हाइड्राइड के भी उसी तरह से होगा, यानी तीनों के लिए आप एक खासियत देखिए, एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अवकरण किया जाता है। यदि आप इसको आसानी से समझना चाहते हैं तो ये नवजात ऑक्सीजन देता है इथर घोल में और वही नवजात हाइड्रोजन इसके साथ अभिक्रिया करता है और करके अल्कोहल देता है। इसके बाद आता है एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर के अपचयन से, ठीक है। फिर आता है वही अपचयन, मतलब चयन मींस होता है अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण, मैंने स्पेशल आपको वीडियो डाला है आप उसे देखिएगा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अवकरण क्या, अवकरण में होता है हाइड्रोजन का युग्म, हाइड्रोजन जुटना, दिमाग में बैठा लीजिए इतना ही जानिएगा, तो इस रिएक्शन में आप जान जाइएगा हाइड्रोजन का जुटना। अब एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर जो होते हैं उनका अपचयन होता है
सोडियम और सी एल इथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में। अब इसमें होता क्या है, तो एल्डिहाइड का अध्ययन कीजिएगा अल्कोहल बन जाएगा, कीटोन का कीजिएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड के अध्ययन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, यानी एल्डिहाइड का जब आप अवकरण कीजिएगा तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होगा, लेकिन कीटोन का अवकरण कीजिएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एस्टर का अवकरण भी करिएगा तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, लेकिन कीटोन का अवकरण करने से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ये आप ध्यान रखिएगा क्यों होता है, कैसे होता है, जरा आइए बोर्ड पर हम समझ लें तो बेहतरीन होगा। ध्यान रखिएगा हमने आपको कहा कि आर सी ओ सी एच ओ एल्डिहाइड ग्रुप लिया, अब यहां पर आप अवकरण का अवकरण कराइएगा, हाइड्रोजन लीजिएगा एन ए और सी टू एच फाइव ओ एच लेते हैं अवकरण के लिए। जब होगा तो ये हाइड्रोजन जो होगा यहां पर एक ओ एच हो जाएगा, यहां पर दो जुट जाएगा, ये दो अणु जुटेगी तो हो जाएगा आर एच एच। देखिए हमने जोड़ दिया ये दोनों को और ये जो ओ एच बचा यहां पर जुट जाता है तो क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन गौर कीजिएगा कि टोन जब रहेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन जो योग होगा वो कार्बन पर होगा। तो देखिए देखिए आर सी ओ आर, ठीक है हम देते हैं, ये जो होता है आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा और लेना तो बेहतरीन होगा, ऐसे रहेगा। अब आप ही देखिए इस पर हम दो हाइड्रोजन का योग करा दे एन सी टू एच फाइव, अब ये हाइड्रोजन जाएगा तो इसको बॉन्ड को तोड़ेगा पहले और ये आर सी ओ और यहां पर रहेगा आर, ठीक है, और यहां बॉन्ड खाली रहेगी। तब दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा और एक जो हाइड्रोजन है यहां आ जाएगा। तो आप लोग देखिए टू डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए ऑटोमेटिक है ये सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा, यानी कीटोन का अवकरण से हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है, जबकि एल्डिहाइड के अवकरण से प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह बन गया। आइए पुनः हम लोग चले पीपीटी पर, ध्यान रखें पीपीटी पर आइए। ध्यान रखिए यहां पर मैंने लिख दिया है कि सोडियम और एथिल अल्कोहल के समान इथर विलयन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एथेनॉलिक विलयन में सोडियम बोरोहाइड्राइड और एनआई या पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन एल्डिहाइडो को प्राथमिक अल्कोहल में और कीटोन को द्वितीयक अल्कोहल में अपचयित करता है। तो इस प्रकार से हम अल्कोहल बनाने का गुण भी जाने, अल्कोहल बनाने की विधि जाने, यानी बनाने की विधि और एल्डिहाइड और कीटोन का यहां गुण भी क्लियर आप लोगों को हो गई कि एल्डिहाइड को अवकरण कराने से अल्कोहल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कीटोन का अवकरण कराने से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो उधर गुण भी हम लोग को जानकारी हो गया, एक ही चीज देख रहे हैं बार बार आप लोगों को रिपीट हो रहा है, आते जा रहा है और देखने में लगता है कि हम इतना याद करें, याद कुछ नहीं करें, एक ही चीज को तीन जगह पढ़ लेते हैं। इसके बाद गिरनाड अभिकर्मक की कार्बोनिल यौगिकों के अभिक्रिया द्वारा, गिरनाड अभिकर्मक का आप लोग का सुन जानते ही, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को गिरनाड अभिकर्मक कहते हैं। अब इसमें जो होता है ये जो होता है वो कार्बोनिल यौगिकों, जैसे कि हम लिया है फॉर्मल्डिहाइड, यहां पर लिया है फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, ये डबल बाउंड आप लोग ये दिमाग में बैठा ले, डबल बाउंड टूटकर सिंगल बाउंड होने की प्रवृत्ति रहती है, तो डबल बाउंड टूटेगा तो ऑटोमेटिक है कार्बन पर एक बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड ऑक्सीजन पर हो जाएगा, तो कार्बन पर होने वाले बॉन्ड को ये आर जो एल्काइल समूह है जुटता है। देखिए यहां पर मैंने जुट दिया और MgH जो O है उस पर जुट गया और इसके बाद अम्ल द्वारा जल अपघटित होकर ये जो होता है यहां पर हाइड्रोजन
चल जाता है और MGOHX बन जाता है। यहां पर बनाया नहीं गया हालांकि, लेकिन ध्यान रखिएगा MG अकोष्ठ में OH तब X बन जाएगा, OH चला जाएगा और H यहां पर आ जाएगा, अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है आप लोग को। किनार अम्ल को एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सारे एल्डिहाइड से आप कराइएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। इसका कारण यह है कि प्राइमरी फॉर्मल्डिहाइड में हाइड्रोजन होता है और बाकी सब में कार्बन जुड़ी रहती है एल्डिहाइड ग्रुप से, जिसके कारण हाइड्रोजन गुणने के कारण ये प्राथमिक अल्कोहल देता है और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। ये चीज मैंने बताया। सेम टू सेम ही अब चलेंगे प्राथमिक एमीन के, यहां पर आते हैं प्राथमिक एमीनों के पे आप लोग को क्रिया यहां पर मैंने दिखाया है प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा। तो एल्फैटिक प्राथमिक जो एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर अल्कोहल बनता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। तो देखिए यहां पर हम पहले NaNO2 यहां पर और HCl लिए और इससे जो नाइट्रस अम्ल तैयार होता है इस दोनों की अभिक्रिया से, वह नाइट्रस अम्ल प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया करके अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग को, ये उदाहरण तौर पर हमने लिख दिया है एथिल एमीन लिया है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया प्राप्त। ये चीज यहां पर एरोटिक कर देने का मतलब है कि इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप ये प्राप्त हुआ और इसी से ये अभिक्रिया करके एथिल अल्कोहल देता है। इसके बाद है एल्किनों के जल योजन द्वारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में एल्कीन को अवशोषित कराने पर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर अल्कोहल बनता है। इसका मतलब पहले आप H2SO4 से अभिक्रिया कराइएगा तो हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा, फिर उसका आप जल लांछन कीजिएगा तब जाकर आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे कि यहां पर H2SO4 में H हटकर ये जो डबल बाउंड हटता है, यहां पर एक बाउंड और एक बाउंड यहां पर आएगा तो यहां पर HSO4 जुटेगा और यहां पर H, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। और इसके बाद ये जो H2O है, ये H2O इनके साथ अभिक्रिया करेगा, फिर H2SO4 को बाहर कर देगा और वहां OH समूह जुट जाएगा, यानी कि HOH जो होगा तो OH यहां जुटेगा और ये जो है इन सबको लेकर बाहर हो जाएगा, H2SO4 निकल जाएगा। इसके बाद होता है यही चीज है सेम टू सेम बता दिए हैं आपको। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के हम सामान्य गुण में जाने चलेंगे, हमने बनाने की आपको विधि बता दिया है, अब हम इसका सामान्य गुण चलेंगे। तो आप लोग जानते ही हैं कि किसी का गुण बताना होता है तो पहले भौतिक गुण और फिर हम रासायनिक गुण बताते हैं। तो भौतिक गुण आप जानते ही हैं क्वथनांक। अब आता है पहला जो है प्रधान ताप पर अल्कोहल श्रेणी के निम्न सदस्य 1 से लेकर 12 तक विशेष गंध व तीखे स्वाद के रंगहीन द्रव होते हैं तथा उच्च सदस्य गंधहीन एवं रंगहीन ठोस होते हैं, न उनमें गंध होता है न रंग होता है, ठोस होते हैं। अब यहां पर मैंने कुछ का क्वथनांक आप लोग को लिख दिया है जिसे आप ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिएगा यदि आप एक नंबर में पूछ दे कि क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखें तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक का ज्यादा होता है द्वितीयक से और द्वितीयक का ज्यादा होता है तृतीयक, यानी कि इनको बढ़ते जा रहा है। देखिए यहां पर बीटुल अल्कोहल लिए है आइसो बीटुल अल्कोहल और बीटुल अल्कोहल का इतना और सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल और टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, तीनों को मैंने दे दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि ब्यूटिल अल्कोहल का क्वथनांक अधिक है। अब इसके बाद क्वथनांक के बाद हम लोग चलते हैं विलेयता। आप लोग को बार बार बताया है मैंने समान समान को घोलता है, ठीक है, तो यहां पर भी समान समान को ही घोलेगा। तो ये मेथिल एथिल और प्रोपिल अल्कोहल क्या होता है, जल में पूर्ण रूप से विलय होते हैं, अणु भरने भार बढ़ने के साथ साथ अल्कोहलों के जल में विलयता घटती है। अल्कोहलों के जल में विलयता अल्कोहल अणु के OH समूह और जल के अणुओं के मिश्र
हाइड्रोजन बंधन के बनने के कारण होता है। आप लोगों को बोर्ड में 12th क्लास का एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा है कि अल्कोहल जल में विलय होते हैं क्यों, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि अल्कोहल में उपस्थित OH समूह जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं जिसके कारण यह जल में विलय होता है, लेकिन अनुभार बढ़ने के साथ साथ इनके हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता कम होती जाती है जिसमें ये धीरे धीरे इनकी विलयता क्या होती है घटती है, क्योंकि अध्रुवीय लक्षण बढ़ता चला जाता है। इसके बाद मोनोहाइड के समान गुण में चले एल्कोहल के भौतिक गुण नहीं पर आया पुनः एल्कोहलों के रासायनिक गुण देखिए। अल्कोहल में आप जानते हैं कि OH समूह उपस्थित रहता है तो OH पूरा हट जाए एक वैसा भी गुण प्रदर्शित करेगा और एक केवल OH में एक हटे वो उपस्थित रहे उससे। इस तरह से मैंने मुख्य रूप से इसे दो पार्ट में बांटा है जिसमें एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल समूह की हाइड्रोजन विस्थापित होता है और दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह ही विस्थापित हो जाता है, इस प्रकार के दो में बांटा है। आज के बाद इन दोनों के अलावा कुछ सामान्य है उनको भी मैंने आपको बताया है। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में हाइड्रोक्साइड चलेंगे, आप चलेंगे H को हम देखते हैं तो पहले हम लेकर चले हैं आपको प्रवर्धन विद्युत धातु यानी सक्रिय धातु से अभिक्रिया। असक्रिय धातु रहेगा तो हाइड्रोजन को लेकर भागेगा ही, ऑटोमेटिक है, ये तो क्लियर है, तो वहां हाइड्रोजन का ही विस्थापन होगा OH समूह का नहीं होगी। तो जैसे कि हमने सक्रिय धातु में जैसे कि हम MgCl एल्यूमिनियम सोडियम पोटेशियम इन सब के साथ यदि हम अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोजन हटता है और वहां Na बनता है अर्थात हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहां पर मैंने उसी तरह से Na को दे दिया है एथिल अल्कोहल के साथ, यहां पर हाइड्रोजन को निकाला है, दो अणु लेना पड़ेगा क्योंकि गैस बनाना है तो दो अणु लेना होगा तो ऑटोमेटिक सोडियम भी दो होगा, यहां Na बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल से जब भी अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन हटता है OH समूह का और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका C OH हटकर OH और H मिलकर H2 बना लेंगे और बाकी जुड़कर एस्टर समूह का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपको देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में एथिल अल्कोहल को एस्टिक अम्ल से अभिक्रिया कराया तो एस्टिक अम्ल का OH और इथाइल अल्कोहल का H मिलकर H2O बनाकर अलग हुआ और बाकी जुट गया, अर्थात O नहीं हटा है केवल H हटा है, OH समूह से केवल H का विस्थापन हुआ है। उसी तरह से अम्ल हैलाइड जस्ट लाइक इसी तरह से अम्ल हैलाइड का भी होगा H और एक। अब जानते हैं हाइड्रोजन का हैलोजन ग्रुप से बहुत ही प्रेम होता है, अतः ज्यादातर रिएक्शन में हम देखते हैं अगर विशेष कंडीशन न हो तो हाइड्रोजन और हैलाइड संयोग करके बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर वहीं पर ध्यान रखिएगा 1A यानी पीरियोडिक टेबल के 1A के अगर सदस्य हो तो हाइड्रोजन ग्रुप 1A के सदस्य के साथ संयोग करके अलग हटा है तो यहां पर HX निकल जाएगा बाकी जुट जाएगा। देखिए इसके बाद मैंने बताया चौथा है एस्टिक एनहाइड्राइड जस्ट लाइक उसी तरह से यहां पर भी H हटेगा और ये जो दो अणु है वो सिंगल अणु में बदलेंगे और यहां पर C2H5O ये जुट जाएंगे CH3COO और यहां पर OC2H5 जुट जाएगा और CH3COOH एक बाहर निकल जाएगा, अर्थात H और CH3COOH एक बाहर निकल जाएगा और एक जो CH3CO बचा हुआ है वो OC2H5 जुटकर एथिल स्टेट के रूप में निकलेगा। विलयन संश्लेषण में सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है, इस क्रिया को जो हम कहते हैं विलयन संश्लेषण कहते हैं। तो यहां पर आपको कहेंगे सर कि यहां पर बता रहे हैं अल्कोहल का गुण और यहां पर दे रहे हैं एल्कोक्साइड, तो इसलिए कि यहां पर जो मैंने बताया ऊपर के अभिक्रिया में आप गौर कीजिएगा कि सक्रिय विद्युत धन धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है एल्कोक्साइड बनाता है, तो इसीलिए उसका यहां पर हमने चर्चा किया है। तो आए देखिए आप देखे थे सोडियम मेथॉक्साइड बना हुआ था वहां पर
ऊपर में बनवाया था मैंने, अब पोडियम मेथॉक्साइड से ये एथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराकर मेथिल एथिल ईथर बना दिया है ना, तो या हम कह सकते हैं मेथॉक्सी एथेन बना दिया। तो मेथॉक्सी एथेन बनने की क्रिया यानी ईथर बनने की क्रिया विलियम संश्लेषण कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको डाला है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है। आगे नाद अभिकर्मक के बारे में कई एक बार हम चर्चा कर चुके हैं, इसके लिए आपको हमको लगता नहीं है कि बताना होगा विशेष रूप से कि अल्कोहल जो है गिरनाद अभिकर्मक से अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन देता है। जैसे कि देखिए मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड लिए या ब्रोमाइड हम ले सकते हैं, तो यहां पर CH3 और H जो उसको बनाना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, जो एल्केन बनाना होगा गिरनाद अभिकर्मक में उसी का एल्काइल ग्रुप लेंगे और इस तरह से एथिल अल्कोहल से बन गया। अब वह अभिक्रिया तो हमने जाना कि जिसमें OH समुच्चय केवल H हटा और उसके आधार पर अभिक्रिया हमने जाना, अब जानेंगे OH समूह ही बाहर हो जाता है, पूरी हाइड्रोक्सिल समूह ही विस्थापित हो जाता है, वैसे अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे। और ये बेटा फास्फोरस हैलाइड जो होती है ये दिमाग में नए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तो और POCl3 बन जाता है और H रहेगा किसी भी ऑक्सीजन वाले कार्बनिक यौगिक से PCl5 से अभिक्रिया कराइएगा तो हैलाइड ग्रुप हमको प्राप्त हो जाता है, बनाने की विधि में मैंने बताया था। तो यहां पर भी है वो दिखाई दे रहा है OH, तो अब इसमें PX3 से अभिक्रिया कराएंगे तो RX बन गया और H3PO3 बन गया। लेकिन PCl5 लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां PCl5 ले तो POCl3 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और RCl बनता है। यहां पर हमने PCl देखिए यहां पर देखिए किया है, मैंने आपको बताया था वो निकलेगा POCl3 बन जाएगा, HCl बन जाएगा और Cl यहां जुट जाएगा, देखिए यहां पर आया हुआ है। इस इंपॉर्टेंट बहुत ही अभिक्रिया है आपको हैलाइड बनाने के लिए कन्वर्शन में जाकर हम इसका उपयोग करते हैं। अच्छा इसके बाद यह कह रहा है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के स्थान पर लाल फास्फोरस और ब्रोमीन का मिश्रण लेने पर भी आपको ये बनाने की विधि में एल्काइल हैलाइड का बताया था। आप इसके पीछे वाली जो हमारे 12 क्लास की वीडियो है आप उसे देखें, आप लोग क्लियर समझ में आ जाएगी। तो वहां बनाने की विधि और यहां गुण, एक पंथ दो काज। इसके बाद थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड को सूत्र आप जानते ही हैं, SOCl2 होता है, इसे पिरिडिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग जब गर्म करते हैं तो एल्काइल हैलाइड बनता है। ये अभिक्रिया भी मैं पिछली बार बता चुका हूं। तो एथिल अल्कोहल को जब थायोनिल क्लोराइड से साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्काइल हैलाइड क्लोराइड प्राप्त होता है। यहां क्लोराइड कहेंगे क्योंकि हैलाइड का मतलब होता है HClBrFi, लेकिन यहां पर थायोनिल क्लोराइड लिए हैं तो ऑटोमेटिक क्लोराइड बनेगा तो एल्काइल क्लोराइड बनता है। तो हमने इथाइल अल्कोहल लिया तो इथाइल क्लोराइड बनाया, प्रोपाइल अल्कोहल लेंगे तो प्रोपाइल क्लोराइड बना देगा। हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया, हाइड्रोजन अम्ल से उचित स्थितियों में इसे आप गर्म कीजिएगा तो अल्कोहल का OH समूह हटकर X यहां जाएगा और H और OH मिलकर H2O बनाकर बाहर निकल जाएगा, इस तरह से एल्काइल हैलाइड बन जाएगी। तो हम आप देख रहे हैं कि यह अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए भी यानी बनाने की विधि के लिए भी हम लोग हो गया और यहां पर अल्कोहल के गुण में भी हो गया। अब आते हैं देखिए यहां पर मैंने कुछ उदाहरण आप लोगों को दे दिया, वही चीज ऑक्सी अम्लों से अभिक्रिया, ऑक्सी अम्ल जैसे HNO3 H2SO4 जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है अम्ल में उसे हम लोग ऑक्सी अम्ल कहते हैं ज्यादातर। तो ऑक्सी अम्लों के जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो उचित परिस्थिति में कराएंगे तो एस्टर बनता है, तो एस्टर बनेगा, तो एस्टर बनेगा तो ये हम लोग देखते हैं जैसे HNO3 में, तो इसमें होता क्या है कि OH समूह और एक H निकलकर बाहर निकल जाएगा, बाकी जुट जाता है, बस यही होती है। H किसका OH लेंगे,
अल्कोहल का OH और जो आपने ऑक्सी अम्ल लिया है उसका हाइड्रोजन निकल कर H2O बना लेगा, बाकी जुट जाएगा। देखिए यहाँ पर जोड़ दिया है मैंने, H2SO4 में भी OH निकल कर हट गया और इसके बाद एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। इसी तरह से आप लोगों को HNO3 में यहाँ पर मैंने एक उदाहरण H2SO4 का उदाहरण आपको दे दिया है। अब आप लोगों ने दो चीजों में देखा कि एक मुख्य अभिक्रिया कि आप अल्कोहल से H को विस्थापित करने वाला अभिक्रिया और OH समूह विस्थापित करने वाला अभिक्रिया, दोनों के बारे में मैंने जानकारी दिया। इसके अलावा भी और अन्य अभिक्रियाएं होती है, जैसे दुर्बल अम्लीय प्रकृति होता है किसका, अल्कोहल की, क्योंकि ये हाइड्रोजन जल के साथ जो होता है हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं, तो अल्कोहल जल को पीएच को प्रभावित नहीं करता है, यह उदासीन विलयन को बनाता है तथा अम्ल क्षार सूचकों के प्रति भी यह उदासीन होता है। मेथिल अल्कोहल जल में कुछ प्रबल अम्ल है किंतु एथिल अल्कोहल और अन अल्कोहल जल में से थोड़े दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल मतलब इनकी अम्लता बहुत ही कम होती है और इनकी क्षारीय प्रकृति भी बहुत दुर्बल होती है, तो ऑटोमेटिक है अम्लीय प्रकृति भी दुर्बल, क्षारीय प्रकृति भी बहुत दुर्बल, मतलब उदासीन, लगभग उदासीन होते हैं, इसलिए इनका जलीय विलयन उदासीन माना जाता है। अब आता है निर्जलीकरण, हम देखते हैं निर्जलीकरण का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जल का हटना, यानी कि निर्जलीकरण का मतलब होगा कोई भी कंपाउंड है उसमें से जल को हटा दीजिए तो कहलाता है निर्जलीकरण। और यहां OH समूह है तो OH और एक ऑटोमेटिक है एल्काइल का H निकलकर H2O लेकर बाहर जाएगा, तो बाकी जो बनेगा वो डबल बॉन्ड एल्किन बनकर तैयार होगा। तो यहां पर ये आपको दिए हैं कि संशोधित अम्ल के उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण होता है और H2O जो होता है शांत H2SO4 अभिक्रिया ना करके इसको शोषित कर लेता है, तो यहां पर हम लिख देते हैं H2SO4 और कोष्ट में दे देते हैं और इसके बाद वो H और H निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक है यहां पर एल्किन ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि मैं तो एथिल अल्कोहल लिया है 170 डिग्री सी पर एथिलीन बनता है, इसमें तापमान की कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा नहीं तो कुछ दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा। 170 डिग्री सी पर एथिलीन बनता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, एक चीज और यहां पर हम आपको जानकारी दे दें, कुछ अल्कोहलों के अल्म उत्प्रेरित निर्जीकरण में पुनः व्यवस्था होती है। 1-butanol का H2SO4 द्वारा निर्जलित कराने पर ट्रांस 2-butene 56% और शिफ्ट 2-butene 32% और 1% जो होता है 12% जो होता है 1-butene का मिश्रण बनता है। इस बात का ध्यान रखिएगा पुनः व्यवस्था होती है कुछ विशेष अभिक्रिया में, तो खैर इसको इतनी जानकारी अभी नहीं लेनी है। अब एल्युमिनिया द्वारा निर्जलीकरण, निर्जलीकरण हम पढ़ रहे हैं सांद H2SO4 द्वारा पढ़े, अब एल्युमिना के ऊपर 350 डिग्री सी पर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को करते हैं तो एल्युमिना भी जल को शोषित कर लेता है और एल्किन बनेगा। आप देखें H2SO4 से भी उपस्थिति में बनता है और लेकिन एल्युमिना को 350 डिग्री सी यानी उच्च ताप पर ही गर्म करने पर यह एल्किन अल्कोहल एल्किन देता है। इसके बाद है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जोड़, अल्कोहल है ऑक्सीकरण करेगा तो क्या हो जाएगा एल्डिहाइड हो जाएगा और एल्डिहाइड क्या कराइएगा तो अम्ल हो जाएगा। तो यदि हमको अल्कोहल से कोई अम्ल बनाना हो तो ऑक्सीकरण केवल करा देंगे और ऑक्सीकरण कराने के लिए हम ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं, K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति लेते हैं, उससे प्राप्त होता है नवजात ऑक्सीजन, उसी नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देते हैं तो अल्कोहल एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड अम्ल में बदल जाता है। देखिए यहां पर मैंने दिया है K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 कोई भी आप ले सकते हैं, इसके ऑक्सीकरण होगा तो यहां जल निकल जाएगी और एल्डिहाइड क्या कीजिएगा तो ऑक्सीजन यहां जुटकर अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये कन्वर्शन में अति महत्वपूर्ण है, इस अभिक्रिया को आप ध्यान दीजिएगा। द्वितीयक अल्कोहल से कराइएगा तो कीटोन बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए कहे कि जब आप अवकरण कराते हैं तो
कीटोन एल्डिहाइड के अवकरण से प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है और कीटोन के सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है, तो अवकरण उल्टा कराइएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल को जब करा दीजिए ऑक्सीकरण तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और सेकेंडरी अल्कोहल को करा दिए ऑक्सीकरण तो कीटोन हो जाए। जस्ट लाइक उल्टा पलट देना, नहीं अब यहां पर बता दिया है तृतीय अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ये साधारण परिस्थिति में आक्षरित नहीं होता, लेकिन विशेष परिस्थिति में हम इसे आक्षरित करके कीटोन और अम्ल का मिश्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है बी हाइड्रोजनीकरण। एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सी पर गर्म कापर धातु के ऊपर प्रवाहित करने पर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीय अल्कोहल भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं भाई? प्राथमिक अल्कोहल का एल्डिहाइड में भी हाइड्रोजनीकरण होता है, उदाहरण स्वरूप यहां हमने दे दिया, यानी प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है। भी हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ठीक है, और तृतीय अल्कोहल का कराइएगा तो आइसो ब्यूटिलीन देता है, ठीक है। अब आता है यही चीज आ गया है दो बार, एल्डिहाइड से अभिक्रिया है। एल्कोहल शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड के साथ हेमी एसिटल और फिर एसिटल बनाते हैं। हेमी एसिटल कहेंगे ओ एच समूह यहां पर उपस्थित रहता है। अब इस ओ एच समूह को हट जाकर एसिटल में परिवर्तित हो जाता है। होता कैसे है? तो एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल का कराएंगे HCl की उपस्थिति में, तो ओ एच समूह यहां पर जो होता है जुट जाएगा इस कार्बन पर, और यहां पर सिंगल बंधन हो जाएगी, और सिंगल बंधन जो होता है ओ आर से इससे जुट जाएगा। तो यहां देखिए हम बना रहे हैं, और फिर आर ओ एच जो होता है बाहर निकलकर यहां पर ये एसिटल के रूप में आर सी एच और ओ आर यानी ओ एच ये ग्रुप हट जाता है, ओ एच और एच निकलकर एच टू बन जाएंगे, और ये यहां पर डबल बॉन्ड के रूप में आ जाता है। इसके बाद आता है अकार्बनिक लोनों के साथ एल्कोहाइलेट बनना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी। अब आएंगे हम लोग परीक्षण, और परीक्षण में हम लोग जानेंगे क्या होता है एल्कोहाइलेट प्रतिक्रिया। अभी बताया कि इसका जलीय विलयन उदासीन होता है तो ऑटोमेटिक है, लिटमस पत्र पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे लाल लीजिए चाहे नीला। शुष्क एल्कोहल में सोडियम धातु एक छोटा टुकड़ा डालने पर तीव्रता से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये दूसरा हुआ परीक्षण। तीसरा है अल्कोहल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के ताजा विलयन के साथ लाल रंग में बदल जाता है, यानी कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट लेंगे और उसमें इसको डालेंगे ताजा विलयन में तो लाल रंग में यह परिवर्तित हो जाता है। शुष्क एल्कोहल में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डालने पर HCl गैस निकलती है जो नीले लिटमस को लाल कर देती है, आप जानते हैं हम नीले लिटमस को लाल करता है। अब आता है प्राथमिक द्वितीय तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की विधि, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई एक साल पूछ चुका है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें उपयोग जो करते हैं अंतर करने के लिए पहला जो विधि है ऑक्सीकरण विधि। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल ऑक्सीकरणों के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, अतः ऑक्सीकरण द्वारा इनमें विभेद आसानी से किया जा सकता है। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर आप देख सकते हैं पहले एल्डिहाइड बनता है फिर एसिड बनता है, लेकिन सेकेंडरी का कीजिएगा तो आपको कीटोन प्राप्त होगा। और आप जानते हैं कि तृतीय अल्कोहल का साधारण परिस्थिति पर ऑक्सीकरण नहीं होता है, विशेष परिस्थिति पर कीजिएगा तो अम्ल और कीटोन का मिश्रण प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग जान जाएंगे, यदि केवल प्राथमिक मिलता है, केवल प्राथमिक आप कैसे जानेंगे
मान लीजिए कि विलयन है, प्राथमिक सेकेंडरी और टर्शियरी का अंतर कैसे करेंगे, विभेद करेंगे, तो इसके लिए हम ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण कराने पर यदि केवल अम्ल प्राप्त होता है तो प्राइमरी है, यदि केवल कीटोन प्राप्त होता है तो सेकेंडरी है, और कीटोन और एसिड दोनों प्राप्त होता है तो टर्शियरी है। एक दूसरा है डिहाइड्रोजनीकरण विधि। एल्कोहल की बात को 300 डिग्री ताप पर, अभी ऊपर बताएं, कॉपर के ऊपर प्रवाहित करने पर प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड में, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन में, और तृतीयक एल्कोहल एल्कीन देता है। यदि हम 300 डिग्री सी के ऊपर, कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सी तापमान पर प्रवाहित करते एल्कोहल के, यदि एल्डिहाइड प्राप्त होगा, एल्डिहाइड मिलता है तो प्राइमरी, कीटोन मिलता है तो सेकेंडरी, और एल्किन मिलता है तो टर्शियरी, तृतीय। क्लियर? देखिए मैंने आपको दे दिया रिएक्शन के साथ ही समझाते हुए। अब ल्यूकेस परीक्षण ध्यान रखिए भाई, ये जो ल्यूकेस परीक्षण है वो एल्कोहल निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में चांद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्किल क्लोराइड बनाता है। ध्यान रखिएगा, एल्कोहल निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्किल क्लोराइड बनाता है। एल्कोहल के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अभिक्रिया का क्रम तृतीयक सबसे ज्यादा, उससे कम द्वितीयक, और इसके बाद प्राथमिक होता है। और ल्यूकेस परीक्षण इसी तथ्य पर आधारित है। जिंक क्लोराइड का चांद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विलयन ल्यूकेस अभिकर्मक कहलाता है। जी रखिएगा, ल्यूकेस अभिकर्मक किसे कहते हैं? यहां दो चीज बता दिए कि जिंक क्लोराइड को चांद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विलयन ल्यूकेस अभिकर्मक कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और इसको जो अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रियाशीलता होती है, वो सबसे ज्यादा तृतीयक, फिर द्वितीयक, अति प्राथमिक होता है। और इसी के आधार पर हम इसका अंतर करते हैं। देखिए, साधारणतः अल्कोहल की अल्प मात्रा ल्यूकेस अभिकर्मक में मिलाने पर तृतीयक अल्कोहल कुछ सेकंड में, 20 से 30 सेकंड में, और द्वितीयक अल्कोहल कुछ मिनटों, 4 से 5 मिनट में विलयन को धुंधला कर देता है। यदि हम डाल दें ल्यूकेस अभिकर्मक में तो दो तुरंत हो जाए, तुरंत 20 से 30 सेकंड में, आधे मिनट के अंदर हो जाए, तो हम कहेंगे तृतीयक अल्कोहल है। लेकिन यदि समय लग जाता है 4 से 5 मिनट धुंधला होने में, तो वो द्वितीयक अल्कोहल होगा। और ये क्या प्राथमिक में डाले और विलय रह जाए तो प्राथमिक कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, ल्यूकेस अभिकर्मक जो होते हैं वो अगर आधे मिनट के अंदर धुंधला कर दे तो तृतीयक। अब समय लगता है 4 से 5 मिनट तब कह दीजिए द्वितीयक अल्कोहल, और जब अभिलय रह जाए तो प्राथमिक अल्कोहल। देखिए इसके बाद आता है विक्टर मेयर विधि। ज्यादातर उपयोग इसी विधि का हम करते हैं, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर विक्टर मेयर विधि का उपयोग करते हैं। ये इस तत्व आधारित है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल से प्राप्त नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल से जो प्राप्त होता है नाइट्रो एल्केन, उसे नाइट्रस अम्ल में घोलेंगे। देखिए आप ध्यान रखिएगा, फास्फोरस, लाल फास्फोरस आयोडीन से कराएंगे, आयोडाइड प्राप्त होगा, एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होगा। इस एल्काइल एलाइड को AgNO3 से अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रो यौगिक प्राप्त होगा, नाइट्रो एल्केन प्राप्त होगा, और नाइट्रो एल्केन को HNO2 में घोल दे तो एल्किल नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त होगा, और ये लाल रंग देगा NOH में डालने पर। और ठीक यही क्रिया हम करेंगे सेकेंडरी के लिए तो नीला रंग प्राप्त होगा, और टर्शियरी के लिए करेंगे तो कोई भी रंग प्राप्त नहीं होगा, और कोई अभिक्रिया नहीं होती है HNO2 के साथ। ध्यान रखिएगा, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो आप इस प्रकार से इस अभिक्रिया को ध्यान रखना बहुत इजी है। फास्फोरस, लाल फास्फोरस आयोडीन, लाल फास्फोरस आयोडीन, लाल फास्फोरस आयोडीन, तीनों को ले लेंगे,
अब जो प्रोडक्ट बनेगा एल्काइल हैलाइड तो बनेगा, हैलाइड तो बनेगा एल्काइल हैलाइड, तीनों को बना देंगे। और तीनों को बनाने के बाद AgNO2 AgNO2 में घोलेंगे और NO2 जुटते जाएगा, आई के जगह पर NO2 जोड़ देंगे। कितना आसान है, आई के बाद जगह पर NO2 डालेंगे, HNO2 में घोल देंगे, तो HNO2 में केवल दो घुलेगा, प्राथमिक और सेकेंडरी टर्शियरी घुलेगा ही नहीं, कोई अभिक्रिया ही नहीं देगी। अब जो ये HNO2 है उसमें क्या हो जाएगा, ये NOH ग्रुप बनेगा, इसमें NO बनेगा, इसमें कोई अभिक्रिया होगा ही नहीं। अब आप इसे NOH में घोलेंगे तो लाल रंग प्राप्त होगा, इसमें नीला रंग प्राप्त होगा, इसमें कोई भी रंग प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से इसमें हम लोग कर देते हैं। अब देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों को बनाने की विधि जानेंगे। हम तो ये जान गए जनरल मेथड कि कैसे अल्कोहल को बनाया जाता है, उसका गुण क्या है। तो हमने यहाँ पर मेथनॉल लिया है और मेथनॉल के बनाने की विधि जल गैस के द्वारा बनाया जाता है। जल गैस का आप सूत्र जानते ही हैं, CuO और A+H2, ये जल गैस की सूत्र है। इसका इसको हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे बन जाएगा। मेथनॉल को गिरनार और कर्मक सभी बता चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। फॉर्मिक अम्ल के अपचयन द्वारा इसको भी पीछे बता चुके हैं, ठीक वही है। मेथिल स्टेट के जल अपघटन द्वारा, अब मेथेनॉल के उपयोग मैंने लिख दिया है क्या है, तेल वसा तथा वर्निश के विलायक के रूप में फॉर्मल्डिहाइड तथा फॉर्मेलिन बनाने में। ध्यान रखिएगा फॉर्मेलिन जल में 40% फॉर्मल्डिहाइड विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। इसके पेट्रोल के स्थान पर वैकल्पिक ईंधन के रूप में ये सारे उपयोग मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद एथेनॉल, एथेनॉल के बारे में हमने यहाँ पर दिया है कि सबसे महत्वपूर्ण जो इस सदस्य का श्रृंखला का सदस्य है वो है एथेनॉल, और इसका उपयोग बहुत ही व्यापक पैमाने पर होता है। इसलिए थोड़ा हम इसकी विधि को ध्यान रखेंगे। किंडवन द्वारा प्राप्त द्रव में लगभग 8-10% एथेनॉल उपस्थित रहता है। इसका प्रभाजी आसवन द्वारा परिशोधित स्प्रिट प्राप्त होती है। इसके स्तर को नांकी आसवन द्वारा परिशुद्ध एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया, ये आप जानते हैं चीनी का सूत्र है, जिसे हम लोग रसायन की भाषा में सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज का इन्वर्टेड एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है, और यह ग्लूकोज तो जाइमेज एंजाइम जो ईस्ट में पाया जाता है उसके द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है। CO2 गैस उड़ जाती है और आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। वही स्टार्च द्वारा भी उसी तरह से हो गया। अब एथेनॉल के उपयोग जो कि यहाँ पर मैंने बता दिया, एल्कोहल पेय पदार्थ बनाने में आप लोग जानते हैं कि दारू में सबसे ज़्यादा मात्रा एल्कोहल की होती है, इथाइल एल्कोहल की। लेकिन मिथाइल एल्कोहल जो ही मिल जाता है वो विषैला हो जाता है और पीने वाले व्यक्ति को पेट के जो लीवर होती है उसको जमा कर अंडा जैसे गर्म करते हैं जम जाता है, उस तरह से जम कर जाता है और जिसके वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मिथेनॉल जहाँ जहरीला है वो वहीं जो एथेनॉल है वो जहरीला नहीं होता है। और आगे बताएंगे रेक्टिफाइड स्प्रिट, इसीलिए रेक्टिफाइड स्प्रिट इथाइल अल्कोहल ही होता है, लेकिन उसमें जानबूझकर मिथाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है ताकि दारू पीने वाले से बचाया जा सके, ताकि वो लोग पिए नहीं जहरीला हो जाए। तो खैर इसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया। अब परम अल्कोहल, परम अल्कोहल के बारे में बता दें कि 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को हम लोग परम अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब ये प्राप्त कैसे होगा, परिष्कृत स्प्रिट जिसमें 95.78% इथाइल अल्कोहल और 4.13% H2O को आसवन द्वारा आसानी से परम अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। आज के बाद प्रयोगशाला विधि, परिशोधित स्प्रिट को बुझे हुए चूने, जानते हैं बुझे हुए चूना जो होता है, बिना बुझा हुआ जो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, अब बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो यहाँ बिना बुझे हुए चूना लेंगे तो जल को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो स्प्रिट में जितने भी जल हैं इथाइल अल्कोहल में सबको शोषित कर लेगा और इथाइल अल्कोहल बच जाएगा। तो इसको मिलाकर अब फिर जल की अंतिम शुष्क मात्रा को निर्जल CuSO4 को मिलाकर निष्कासित करते हैं तथा स्प्रिट का पुनः आसमन करने पर परम अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ये प्रयोगशाला विधि, लेकिन जब हमको औद्योगिक पैमाने पर बनाना होगा तो परिशोधित स्प्रिट को बेंजीन के माध्यम से
आश्वित करते हैं प्रथम त्रिअंगी मिश्रण 74.1% बंजीन, 18.4% एथेनॉल और 7.4% जल होता है, जिसे 337.8 केल्विन पर आश्वित करने पर द्विअंगी प्राप्त होता है, केवल बेंजीन और एथेनॉल प्राप्त होता है, जल बाहर निकल जाता है। अब कहिए सर बेंजीन क्यों मिला है? इसलिए मिला है कि जल जो होता है स्थिर क्वथनांक मिश्रण एजियोट्रॉपिक मिश्रण होता है, जल और एथेनॉल का मिश्रण जो होता है एजियोट्रॉपिक मिश्रण होता है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण को आपको सॉलिड स्टेट में बताया गया है। तो यहां पर एक 30 इसके बाद जल निकल जाएगा तो बेंजीन और एथेनॉल बनेगा और आसानी से इसे हम लोग आसवन करके 341.4 डिग्री पर अल्कोहल में बदल लेते हैं। विकृत अल्कोहल अभी अभी हमने आपको समझाया है विकृत अल्कोहल के बारे में कि एथी अल्कोहल का निर्माण तब बिक्री सरकार द्वारा क्या है नियंत्रित होती है, औद्योगिक उद्देश्य के लिए अल्कोहल कर रही थे, इस पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अल्कोहलीय पेय पर भारी बिक्री कर प्राप्त हुआ। सस्ते औद्योगिक अल्कोहल को पीने के दुरुपयोग से बचाने के लिए औद्योगिक अल्कोहल में कुछ विषैले पदार्थों को मिलाकर पीने योग्य नहीं रहने दिया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा औद्योगिक अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए विशेष पदार्थ जैसे मेथनॉल पिरिडीन आदि मिलाते हैं विकृतीकरण कहलाती है। पिरिडीन आदि मिलाते हैं तो क्या करते हैं विकृतीकरण कहलाती है। हम पिछली बार अभी पुत्र पहले भी बताए थे तो ध्यान रखिएगा 85-90% स्प्रिट रहता है, 10-15% एथेनॉल रहता है, यानी कि एथेनॉल जो होता है 85-90% रहता है और 10-15% जो होता है वो मिथेनॉल रहता है। पावर अल्कोहल आप लोग देखे होंगे पेट्रोल भरवाते वक्त उत्सर्जित रहता है पावर पेट्रोल, जिसे स्पीड पेट्रोल के भी आप लोग कहने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कुछ देशों में पेट्रोल में अल्कोहल मिश्रित करके आंतरिक दहन इंजन में प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का पेट्रोल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं। और जो कि अल्कोहल पेट्रोल में मिश्रित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट कीजिएगा तो नहीं होगा, अतः तीसरा पदार्थ बेंजीन या टेट्रालिन मिश्रण में मिलाते हैं। समानतः पावर अल्कोहल में पेट्रोल तथा अल्कोहल 4:1 में होता है। अब ये ट्रिक तो हमने आपको जानकारी दे दिया, इसके अलावा मैंने दारू के बारे में विशेष रूप से जानकारी केवल नॉलेज के लिए दिया है, एग्जाम में उसको कोई खास उपयोगिता नहीं है। और आपको अल्कोहल को आसवन यहाँ पर दे दिया है कि किस दारू में कितना प्रतिशत अल्कोहल रहता है और किस स्रोत से बनाया जाता है, जैसे बियर है 3-6% रहता है, इसे जौ से बनाया जाता है, सीडर रहता है 2-6% रहता है, सेब से बनाया जाता है, वाइन 8-10% अंगूर से बनाया जाता है, कोलरेट 7-13% रहता है अंगूर के रस से बनाया जाता है, पोर्ट तथा शेरी 14-24% अंगूर के रस से बनाया जाता है, विस्की जिसे कहते हैं 35-40% ये भी जौ से बनाया जाता है, रम 45-55% शीरा से बनाया जाता है, जिन 40-45% मक्का से बना, ब्रांडी 40-45% ये बनाया जाता है अंगूर का रस। तो ये सब मैंने जानकारी के लिए आपको दे दिया है। तो आज मैंने आप लोगों को अल्कोहल से संबंधित जो एग्जाम में आने वाले हैं खास करके आप लोगों को ये जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद, इसके अलावा आप लोग देखिएगा कि इसके अलावा अल्कोहल से संबंधित आता है कन्वर्ट करने में कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, इत्यादि चीज़ों की आता है। तो आज मैं अपना क्लास इसी के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। पुनः हम मिलेंगे अगले चैप्टर में।